ठीक है, आप यहाँ के करने आए? फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी? आप फोटोग्राफी इंटरव्यू? अच्छा ठीक है, क्या फोटोग्राफर से रिलेटेड क्या पढ़ती हैं? बहुत ज़्यादा। आपसे पढ़ी? अभी तक लाइन तक तो आ गए, आगे तक नंबर भगवान। अच्छा आपसे? अभी तो नहीं, बट एक को मेरे अंदर इंटरेस्ट आया है। अंदर इंटरेस्ट आया मेरे मेरे पे हेटर। हेलो, मेरा नाम संदर्भ है। आज हम आए हैं देहरादून लिटरेचर फेस्ट पे, आर्ट एंड लिटरेचर फेस्ट, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वैली ऑफ वर्ड्स। आज हम लोगों के यहाँ पे विचार जानते हैं कि कौन कौन यहाँ पे साहित्य के लिए आया है और कौन कौन यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के लिए आया है, और जानते हैं लोगों के विचार। कोई कोई लड़के मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, कोई बस देखना है, जैसे कि एक मेरा कैमरामैन बस। ठीक है, आइए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा यहाँ पे ग्राफिक एरा की तरफ से हम लोग अपने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की हम लोग पेंटिंग्स लेके आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने बेसिकली उत्तराखंड की टेंपल्स की, मेजर जो टेंपल्स हैं उनकी पेंटिंग बनाई है, ताकि हम उसका हेरिटेज और कल्चर जो है वो रिफ्रेश रखें। रिफ्रेश रखें। हाँ, हम यहाँ फोटोग्राफी करने आए बेसिकली। अच्छा, आप फोटोग्राफी सेम कुछ लर्न करने हैं अटेंडेंस के लिए? आया। हेलो दीदी। अच्छा सोचो। अच्छा यहाँ पे आप लौंडा देखने आए हैं का? आपको कैसे पता चला? ये लड़के नहीं, एक्चुअली हम ना नुक्कड़ करते हैं तो लोग हमको देख के भाग जाते हैं, वो बहुत डरते हैं, हम ज्यादा चिल्लाते हैं ना, गुस्से में रहते हैं तो। अच्छा अच्छा, मुझे तो आपसे अभी भी डर लग रहा है यार। तो आप मुंह कब धोएंगे ये बताइए? मैं बस जा रही हूँ धोने, आपने मुझे पकड़ लिया इंटरव्यू लेने के लिए। ओह नो, आई एम कंप्लीटली सिंगल और एनीबॉडी वांट्स टू लाइक ओके तो आ जाए। वो आप में कला है, आप में कला है वो लड़कियाँ देखने की? लड़कियाँ देखने की कला नहीं चाहिए, हाँ एक खूबसूरत सी वो चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मतलब क्या मतलब एक निगाह चाहिए होती है। निगाह? ओके ओके। अच्छा, पोएट आदमी हम तो। आपका नाम क्या है? आलोक। आपका नाम क्या है? श्री मनीष। भाई आपका यहाँ का खाना कैसा हो रहा है? बढ़िया मजेदार। कितने रुपए की थाली है? फ्री की। काम करते हैं हम, फिर हमें फ्री मिलता है खाना, ऐसे ही थोड़ी। यहाँ से निकलने वाला है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है भाई। हाँ। अच्छा तो आप यहाँ पे कौन से ऑथर को देखने आए हैं सबसे पहले? और एक मार्क पे आना, आप यहाँ क्या करना है सबसे पहले, मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली मैं ग्राफिक एरा से इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे? और बस इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा किसको देख रहे हैं? कौन लौंडा था? लौंडिया था। उसमें यहाँ पे मेजर जो पेंटिंग है, कुछ कुछ यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो सब बच्चों ने एक दिन में पूरा कंप्लीट किया। क्या आपको पेंटिंग देखे कोई लड़की पसंद आई? लड़की नहीं, मतलब ऐसा ऐसा नहीं हुआ। नहीं ऐसे नहीं। लेकर लेता पहले भाई, तू भाई यहाँ लड़कियाँ देख, तू ये क्या कर रहा है? जो पार्टी पटाई उसे तो मैं संभाल लूं। थोड़ा इंटरेस्ट रख लिया करो। हाँ रखना पड़ेगा धीरे धीरे। गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं है। कब तक बनाएंगे? देखते हैं जब बन जाए तो। चल ठीक है, यहाँ पे एक लड़की की पेंटिंग बना दो ना, फिर अच्छा लगेगा शायद। हाँ पर फिर कोई सुंदर लड़की वैसे मिलने की तो चाहिए। मैं ला रहा हूँ दिल्ली भाई, बिठा दूँ यहाँ पे। हाँ फिर देख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे आप लड़कियाँ देखने भी आए हैं? यस। कितनी दिखी अभी तक? बहुत सारी बड़ी बड़ी। अच्छा क्या आप लिखते हैं? दिखा बहुत सारे। कैसे होता है फोन? लड़के तो अच्छे नहीं है। लौंडी अच्छी है? नहीं, हमसे हमसे ज्यादा हो सकता है क्या? चारों से अच्छा। ये सब सब माँ कसम बताओ, सच्ची में लड़की मिली क्या? हाय कैसी हो? और ये बढ़िया बढ़िया, और तुम्हें यार ये पीस ना ओवर एक्टिंग हो रहा है यार। अच्छा आपने कौन सी पोएम गाई? लिखती क्यों हो? लिखती क्यों? सुना सकते हैं आप थोड़ा? स्टार्टिंग की एक दो लाइन। हाँ ठीक है ठीक है। मैं लिखती हूँ क्योंकि कह नहीं पाती। अच्छा। लिखती हूँ क्योंकि सह नहीं पाती ख्यालों के सैलाब, जज्बातों के तूफान अंदर ही अंदर, और आप पूछते हैं लिखती क्यों?